हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड लेसन एट ऑफ ईवीएस माय नेबरहुड नेबरहुड का मतलब होता है uh, मेरा पड़ोस यानी कि मेरे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं या क्या क्या है वी लिव इन आर होम विद आर फैमिलीज़ हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं आर फ्रेंड्स ऑल्सो लिव नियर आर हाउस हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी हमारे घर के आस ही रहते हैं तो दे आर आर नेबर्स वो हमारे पड़ोसी हुए ऑल द हाउसेज एंड द फैमलीज लिविंग अराउंडस फ्रॉम द नेबरहुड जितने भी घर हैं या जितने भी परिवार हमारे आस पास रहते हैं वो हमारे पड़ोस में आते हैं नेबरहुड में आते हैं नाव प्लेसिस इन आर नेबरहुड हमारे नेबरहुड के आसपास कौन कौन सी प्लेसेज हमें दिखाई देती हैं मार्किट यानी बाज़ार वी बाय मैनी थिंग्स फ्राम द मार्किट मार्किट्स हैव वेरियस शॉप्स वी बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्स ग्रीन्स बुक्स टॉयज एट्सेट्रा फ्राम दीज शॉप्स हम मार्केट में जाकर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट में अलग अलग टाइप की शॉप्स होती हैं दुकानें होती हैं हम फ्रूट्स खरीदते हैं फल सब्जियां वेजिटेबल्स पल्सेस यानी कि दालें अनाज बुक्स और टॉयज़ ये सब हम इन शॉप से ख़रीदते हैं हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक वी गो टू हॉस्पिटल The doctor does our checkup and gives us medicine. The nurse looks after the patients admitted in hospital. जब भी हम बीमार पड़ते हैं sick हो जाते हैं तब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं और हमें मेडिसिन यानी दवाइयाँ देते हैं नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं मरीज होते हैं उनकी देखभाल करती हैं नेक्स्ट पुलिस स्टेशन द policeman in इन अ स्टेशन लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी जो उस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस मैन होते हैं वो लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और उनका सामान कहीं चोरी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखते हैं अ पुलिस मैन कैच द थीव्स एंड रॉबर्स एंड कीप्स अ सेफ फ्रॉम दैम पुलिस मैन चोरों को या फिर लुटेरों को पकड़ते हैं और हमें उनसे सेफ रखते हैं वी मस्ट हेल्प द पोलिस मैन इन देअर वर्क द ट्रैफिक पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ट्रैफिक अंडर कंट्रोल हमें पुलिस मैन को पुलिस वालों की हमें हेल्प करनी चाहिए उनका काम करने में और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है बैंक वी कैन कीप आर मनी इन अ बैंक इट इज़ सेफ देअर वी कैन ऑल्सो कीप आर ज्वेलरी इन अ बैंक लॉकर बैंक जो होता है वहाँ पर हम अपना पैसा रख सकते हैं और हमारा पैसा वहाँ पर सेफ रहता है इसके अलावा हम बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी यानी कि अपने गहने आभूषण ये सब भी रख सकते हैं पोस्ट ऑफिस वी कैन बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड्स इन लैंड लेटर्स एनवेलप्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस वी के वी कैन सेंड मनी एंड पार्सल्स टू आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वी कैन ऑल्सो सेंड अर्जेंट मैसेज थ्रू टेलीग्राम्स पोस्ट ऑफिस से हम स्टैम्प ख़रीद सकते हैं पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर्स एनवल्स एट्सट्रा ये सब हम पोस्ट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं इसके अलावा हम आ, हमें पैसे भेजने हैं अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिवस को या फिर कोई पार्सल भेजना है तो वो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं इसके अलावा हम टेलीग्राम के थ्रू बहुत अर्जेंट मैसेज जो जल्दी पहुँचाने होते हैं वो भेज सकते हैं फायर स्टेशन वेन देयर इज अ फायर इन आर नेबरहुड वी शुड कॉल द फायर स्टेशन डायल वन जीरो वन फ्राम द टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड द पीपल इन द फायर स्टेशन आर कॉल्ड फायर फाइटर्स एंड दे पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ वॉटर जब भी हमारे आस पास नेबरहुड में कहीं आग लग जाती है तो हमें तुरंत फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए तो फायर स्टेशन को कॉल करने के लिए आपको अपने फ़ोन में वन ज़ीरो वन डायल करना होता है वन जीरो वन पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो ये नंबर फायर स्टेशन का होता है ताकि वो फायर ब्रिगेड भेज सकें तो जो फायर स्टेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हें फायर फाइटर्स फायर कहते हैं क्योंकि वो आग से लड़ते हैं और वो आग को बुझाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर पानी की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स वी शुड कीप आर नेबरहुड डैश एंड डैश हमें अपना नेबरहुड कैसे रखना चाहिए नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा अर्जेंट मैसेजेस आर सेंड बाय डैश जब हमें कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता है तुरंत कोई मैसेज भेजना होता है तो वो हम किसके थ्रू भेजते हैं टेलीग्राम वी कैन बाय लेटर्स एंड stamps from द डैश हम लेटर या फिर स्टैम्प कहाँ से खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से पीपल इन द फायर स्टेशन आर कॉल्ड डैश जो फायर स्टेशन में लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फायर फाइटर्स वी बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर थिंगस फ्राम द डैश हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं मार्केट से